स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस ऑफ मोशन तक डिस्कशंस कर ली थी, और जब लेक्चर एंड हुआ था तो आपको मैंने बताया था कि कमिंग क्लास में आप लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशंस को रिवाइज कर लीजिएगा, और इसके अलावा मैंने कहा था सिलेबस के बुक का न्यूमेरिकल नंबर 1, ठीक है, यानी बुक अपने पास रखिएगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर भी अपने पास रखिएगा। वालेकुम अस्सलाम। चलें स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम लोग न्यूटन से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस पे बात करेंगे। देखिएगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वालेकुम अस्सलाम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, अगर हम लोग इस टॉपिक को एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये टॉपिक जो है एज अ थ्योरी जरा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसे एमसीक्यूज बन सकते हैं। ये चैप्टर 3 के इंट्रोडक्शन का आखिरी सेगमेंट है। देखिएगा, न्यूटन से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस के दो सेगमेंट थे। पहला सेगमेंट, आपने कहा था कि इफ आवर बॉडी इज एट रेस्ट देन ऑलवेज बी एट रेस्ट अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। इस लॉ के पहले हिस्से में आपने कहा था कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही होगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही होगा, और अगर एक बॉडी मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही होगा जब तक के उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। मोशन वाला सेगमेंट दूसरा सेगमेंट था। फिर से सुनिएगा, आपने कहा था कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में होगा, अगर एक बॉडी मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही होगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट देन ऑलवेज बी एट रेस्ट, इफ अ बॉडी इज इन मोशन देन ऑलवेज बी इन यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। ये था स्टेटमेंट। जरा इस स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, वैसे तो सबको आइडिया पूरा होगा, क्लियर होगा, फिर भी समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट कीजिए कि ये व्हाइट बोर्ड यहां पर हैंग हुआ है। अगली क्लास में जब हम लोग आएंगे तब भी ये व्हाइट बोर्ड यहीं पर हैंग हुआ हुआ होगा, लेकिन अगर अज्यूम करें कि नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आते हैं तो ये व्हाइट बोर्ड यहां पर मौजूद ना हो, तो इसका मतलब ये होगा कि कोई इसे उठाकर ले गया है। उठाकर ले जाने का मतलब है कि इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुई है, अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती तो ये बोर्ड यहीं पे रहता। जैसे लास्ट टाइम क्लास हुई ये बोर्ड यहीं पे था, आज क्लास हो रही है बोर्ड यहीं पर है, ये बॉडी रेस्ट में था रेस्ट में ही है। अगर कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाए तो फिर ये अपनी जगह से जा सकता कहीं और। तो मतलब ये हुआ कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी ये बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही होगी। अगर इसे दूसरे सेगमेंट की तरफ हम लोग देखें, एक बॉल है, एक बॉल को हल्के से यू थ्रो करो, यू बॉल रोल होता हुआ जाता है फिर थोड़ी दूर जाने के बाद रुक जाता है। बॉल क्यों रुक जाता है? रुकने की वजह याद रखिएगा स्टूडेंट, जब बॉल रुकता है तो इसका मतलब यह होता है कि बॉल पर बहुत सारी एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, जो उसके रुकने की वजह है, जिसमें फ्रिक्शन भी है,
ग्रेविटी भी है, एयर का प्रेशर भी है, और भी दूसरी फोर्सेस हो सकती हैं। ये सारी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। अगर मैं इन सारी एक्सटर्नल फोर्सेस को रिमूव करवा दूं, निकाल दूं, तो क्या होगा? तो होगा ये कि जिस बॉल को आपने थ्रो किया है वो बॉल यूनिफॉर्म मोशन मेंटेन रखेगा। फिर वो बॉल यूनिफॉर्म मोशन से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव भी करता रहेगा। तो जो मैंने पहली एग्जांपल दी उसमें ये आप बोलोगे कि इफ आ बॉडी इज एट रेस्ट देन ऑलवेज बी एट रेस्ट अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। दूसरा एग्जांपल जो मैंने बॉल का दिया उसमें आप कहोगे इफ अ बॉडी इज इन मोशन देन ऑलवेज बी इन यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। अब इन दोनों को मिला दीजिए तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट बनेगा। क्या बनेगा? व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट देन ऑलवेज बी एट रेस्ट, इफ अ बॉडी इज इन मोशन देन ऑलवेज बी इन यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। दिस इज द फर्स्ट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। स्टूडेंट, स्टेटमेंट तो हम फर्स्ट ईयर के पेपर में कभी नहीं पूछेंगे, ये एमसीक्यू में अक्सर आता है। अगर स्टूडेंट मैं आपसे पूछूं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का ऑल्टरनेट नेम क्या है, इसका ऑल्टरनेट नेम क्या है, आप इनसे कोई बता सकता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का ऑल्टरनेट नेम क्या है? यस, करेक्ट, इसका ऑल्टरनेट नेम है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, और से सुनिएगा जरा, इनर्शिया क्या होता है जरा इसको क्लियर कीजिए। ये तो एमसीक्यू में पूछेंगे, हम कहेंगे द ऑल्टरनेट नेम ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज डैश, करेक्ट आंसर इज लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज द एबिलिटी, इज द एबिलिटी टू रिजिस्ट अगेंस्ट टू चेंज द स्टेट। पहले एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, इस स्टेटमेंट को मैं फिर रिपीट करूंगा। फर्ज कीजिए कि एक चेयर है, मैंने कहा बेटा इस चेयर को यहां से उठाकर बाहर ले जाओ कमरे से, आप उठाओगे, कमरे से बाहर लेकर जाओगे। अच्छा, जब आप उठाओगे तो आपको थोड़ा सा भारी भारी सा लगेगा। वो जो भारी सा लग रहा है वो एक्चुअल में है क्या? जो आपको तकलीफ हो रही, परेशानी हो रही उठाने में, ये एक्चुअल में उस चेयर का इनर्शिया है। मतलब चेयर रेस्ट में था, आपने कहा मैं इसको मोशन में लाऊंगा, आपने उसको उठाया, चेयर ने आपसे कहा मैं रेस्ट में था मुझे रेस्ट में रहने दो, लेकिन आपने कहा नहीं मोशन में लाना है, फिर आप उसको मोशन में लेकर भी आ गए। आप क्यों कामयाब हो गए उसको मोशन में लाने के लिए? क्योंकि आपकी एक्सटर्नल फोर्स यानी आपकी इंटरनल फोर्स, चेयर की इंटरनल फोर्सेस ज्यादा थी, इसलिए जीत आप गए और आपने उठा लिया। वो जो आपको तकलीफ महसूस हुई ना उठाने में, परेशानी हुई, वो एक्चुअल में उस चेयर का इनर्शिया था। अब इसी की जगह फर्ज कीजिए एक बड़ा सा ब्लॉक रख दे और मैं कहूं चलो अब इसको उठा के लेके जाओ, अब आप ट्राई कर रहे हो लेकिन वो इतना भारी है कि आप उठा ही नहीं पा रहे हो, आप उसको मोशन में नहीं ला पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी इंटरनल फोर्स अब उस बॉडी की इंटरनल फोर्स से कम है, इसलिए जीत अब उसकी हो रही है। ये जो आप उठाने की कोशिश कर रहे हो, बड़ी परेशानी हो रही है, बड़ी तकलीफ हो रही है, एक्चुअल में ये उस ब्लॉक का इनर्शिया है जो कह रहा है कि मैं रेस्ट में हूं, मुझे रेस्ट में रहने दो, मोशन में मत लाओ। और आप कोशिश करने के बावजूद भी उसे मोशन में नहीं ला पा रहे हो क्योंकि आपकी इंटरनल फोर्स उसकी इंटरनल फोर्स से कम है। अच्छा, ये जो परेशानी होती है किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए या मोशन से रेस्ट में लाने के लिए, ये एक्चुअल में इनर्शिया होता है। अब आसान लैंग्वेज में आपको बताऊं कि इनर्शिया है क्या। याद रखिएगा, इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे। इनर्शिया मास का दूसरा नाम है। इनर्शिया डिपेंड्स ऑन
इनर्शिया ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है. इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास. और याद रखिएगा इनर्शिया और मास, इनर्शिया और मास एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. यानी मास जिसके पास भी है, मास जिसके पास भी है उसके पास इनर्शिया होगा, मतलब उसके पास रिजिस्ट करने की एबिलिटी होगी. अगर आप उसका स्टेट चेंज करना चाहो तो, स्टेट चेंज करने का मतलब है रेस्ट में है तो मोशन में लाना हो या मोशन में है तो रेस्ट में लाना हो. अगर आप किसी बॉडी का स्टेट चेंज करना चाहते हो तो वो बॉडी अपने मास से रिजिस्ट करेगा और वो रिजिस्ट करने की एबिलिटी क्या कहलाती है? इनर्शिया. इनर्शिया मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. स्टूडेंट ये जो टॉपिक अभी अभी आपने देखा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, हम पेपर में एज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे. इससे तीन एमसीक्यू बन सकते हैं. नंबर एक, द ऑल्टरनेट नेम ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया. दूसरा एमसीक्यू, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द बॉडी. और तीसरा पॉइंट याद रखिएगा कि इनर्शिया मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. इनर्शिया मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. ये तीसरा पॉइंट, ये सिर्फ एमसीक्यू में आ सकता है, एमसीक्यू के अलावा इसकी कोई अहमियत नहीं है. ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड किसी के पास कोई सवाल, कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकता है. किसी स्टूडेंट को कोई सवाल करना हो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड तो पूछ लीजिए पहले. किसी के पास कोई सवाल नहीं है? हाँ ठीक, पूछना बेटा आपको? ठीक है, ओके, थैंक यू. चलिए आते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. सुनिए, इसके भी दो सेगमेंट है, यानी दो हिस्से हैं. पहला पहला स्टेटमेंट ये है कि अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी, अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्सेलरेशन, टू इट्स एक्सेलरेशन. तो गौर से सुनिएगा. इसी के साथ एक अगला हिस्सा भी इसका है कि जो अप्लाइड फोर्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. इसमें जरा सी तब्दीली करें, इसको इस तरीके से पढ़ते हैं हम लोग. इधर देखिएगा, पहले इसमें जरा सी तब्दीली ये करते हैं. गौर से सुनिएगा, मैंने पहले एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसको सुनिएगा और फिर हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे. देखिए, फर्स्ट कीजिए ये एक बॉडी है, इस बॉडी को आप पुल करते हो, हल्का सा पुल करते हो तो वो हल्का मूव करेगा. आप उसको बहुत जोर से पुल कर देते हो, जोर से धक्का दे देते हो तो वो बड़ी तेजी से मूव करेगा, बड़ी तेजी से मूव करेगा. मतलब ये हुआ कि फोर्स कम अप्लाई हुई तो बॉडी में एक्सेलरेशन कम हुआ, फोर्स ज्यादा अप्लाई होगी तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? ज्यादा. यानी फोर्स और एक्सेलरेशन ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को एक ऐसे लिख सकते हो और एक ऐसे लिख सकते हो. इसका मतलब भी यही है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए के, इसका मतलब भी यही है कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ के. यानी ये इंक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा, दोनों का मतलब एक ही है. लेकिन स्टूडेंट्स दोनों के इस्तेमाल में ना जरा सा फर्क है. यहां पर हम स्टेटमेंट ये लेंगे. एक्चुअल में आज से कुछ सालों पहले जब ये लेते थे ना एफ प्रोपोर्शनल टू ए, F proportional to A, तो हम लोग कॉन्स्टेंट ये लेते थे, फिर मास कॉन्स्टेंट होता था, M में proportional हटाते हैं तो इजिकल और कॉन्स्टेंट.
लेकिन फर्स्ट ईयर में अगर इस तरीके से न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस को पढ़ोगे तो हम कट कर देंगे, कोई नंबर नहीं मिलेगा। इस स्टेटमेंट में मास कांस्टेंट है, लेकिन अब जो न्यूटन्स का एक्चुअल में सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसमें मास को कांस्टेंट रखने की इजाजत नहीं है। तो जरा अगर मास वेरिएबल है, मास कांस्टेंट नहीं है, तो अब जरा रिलेशन देखिएगा। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट कीजिए कि मैं हूं, मेरा मास 80 kg है, अज्यूम मेरा मास कितना है 80 kg। मेरे बराबर में एक साहब खड़े हैं 200 kg के, मैं 80 kg का, बराबर मेरे एक साहब खड़े हैं 200 kg के, हम दोनों पर एक जैसी फोर्स लगाओ, तो हम दोनों में से तेज मूव कौन करेगा? मैं करूंगा। जो 200 kg का बॉडी है वो स्लो मूव करेगा। मैं तेज मूव करूंगा तो मेरे बॉडी में एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा, वो स्लो मूव करेंगे तो उसमें एक्सेलरेशन भी कम होगा। तो मतलब ये हुआ, मास कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा है, मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम है, दोनों एक दूसरे के क्या हुआ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। तो उसको ऐसे लिखोगे, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब गौर से सुनिएगा स्टूडेंट, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट है क्या? मैं रिपीट कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस इन इट्स ओन डायरेक्शन। जब बॉडी पर फोर्स अप्लाई होती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है सेम डायरेक्शन में। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस इन इट्स ओन डायरेक्शन। ये लाजमन ये सेंटेंस बोलना है पहले कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। देन यू विल से The magnitude of acceleration is directly proportional to the applied force and inversely proportional to the mass of the object. ये दोनों को मिलाओगे तो बनेगा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पहला हिस्सा ये बोलोगे कि when force is applied on a body, then acceleration will be produced in its own direction. In its own direction. फिर कहोगे The magnitude of acceleration is directly proportional to the applied force and inversely proportional to the mass of the object. To the mass of the object. Mass of the object. इन दोनों को अगर आप कंपेयर करते हो तो ये हो जाएगा A proportional to F over M. A proportional to F over M. और इस साइन को अगर आप हटा लेते हो, इज इक्वल कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट के ले लो, दिस इज एफ ओवर एम। यहां पर के की वैल्यू होती है 1, दिस इज एफ ओवर एम। तो इसको ऐसे लिखोगे, ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एफ इज इक्वल टू एम ए। ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन है। ये स्टूडेंट्स, आप में से कोई ये बता सकता है कि यहां पर के की वैल्यू 1 कैसे आती है? यहां पर के की वैल्यू 1 कैसे मिली हमें? एनीवन? के कांस्टेंट तो है लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू भी तो किसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो ये 1 कैसे आया? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी है लेकिन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की भी कोई वैल्यू होती है और किसी तरीके से कैलकुलेट होती है। यस, अच्छा सुनिए, गौर से सुनिएगा। देखिए एक स्टेटमेंट मैंने ये कहा था, हाँ सुन लो मेरी, सुन लो, मैं बता रहा हूं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक स्टेटमेंट ये जो अब आपको लिखने की इजाजत नहीं, इसमें मास कॉन्स्टेंट था, ये स्टेटमेंट, इसमें मास वेरिएबल है। मास वेरिएबल होने का मतलब है मास कैन बी चेंज्ड, मास वेरिएबल होने का मतलब है मास कैन बी चेंज्ड। तो ये जो के है ना, ये के,
ये है मास ऑफ अ बॉडी बिफोर मोशन और ये है मास ऑफ बॉडी आफ्टर मोशन। ये इन दोनों के दरमियान रेशियो को बोलते हैं, मास ऑफ अ बॉडी बिफोर मोशन एंड मास ऑफ अ बॉडी आफ्टर मोशन, इनके दरमियान जो रेशियो होता है उस रेशियो को के कहते हैं। और हमारी नॉर्मल लाइफ में यानी नॉर्मल सिचुएशन में बिफोर मोशन और आफ्टर मोशन मास चेंज नहीं होता है, मास चेंज नहीं होता है, नहीं होता है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों इक्वल होगा, बिफोर मोशन आफ्टर मोशन इक्वल है, कैंसिल होकर वन, ये के ऐसे आता है। कर फिलहाल ये सब हम नहीं पूछेंगे आपसे कि के कैसे आया, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, ये स्टेटमेंट पता होना चाहिए। हम थ्योरी के पेपर में नहीं पूछेंगे कि स्टेटमेंट बताओ, स्टेटमेंट लिखो, लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, चलिए ये इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू, पेपर में एमसीक्यू इससे पूछा जा सकता है, देखते हैं आप में से कौन आंसर देता है। द ऑल्टरनेट नेम ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज, ऑल्टरनेट नेम ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज, जी ऑल्टरनेट नेम ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का ऑल्टरनेट नेम क्या है? देखें इस वक्त आपकी क्लास में मोस्ट जीनियस कौन बैठा है? यस, कौन दे रहा है आंसर? हाँ, कोई देगा आंसर? किसी के पास आंसर नहीं है, चले जीनियस होने का मौका फिर देंगे, जीनियस बनने का मौका फिर देंगे, कोई भी नहीं है, चलो फिर मौका देंगे, इंशाल्लाह बनोगे कोई ना कोई। याद रखिएगा, सॉरी नहीं 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 रॉन्ग, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का ऑल्टरनेट नेम है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का ऑल्टरनेट नेम है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, इसको जरा याद रखेंगे, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। स्टूडेंट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है, सबको पता होगा, बस रिपीट कर देता हूं। आपने पढ़ा है कि हर एक्शंस का रिएक्शन होगा, हर एक्शंस का रिएक्शन होगा, एक्शन रिएक्शन आपस में इक्वल होगा और डायरेक्शन क्या होगी एक दूसरे के ऑपोजिट, एक्शन रिएक्शन इक्वल होगा, एक्शन रिएक्शन इक्वल होगा, इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, एक प्लस का होगा तो दूसरा माइनस का, यानी डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट। तो न्यू स्टूडेंट्स, ये सारी बातें जो अभी हमने डिस्कस की हैं, उम्मीद है कि सब पहले से आपको पता होगा, लेकिन फिर भी हमने इसको रिवाइज कर दिया है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड किसी के पास कोई सवाल है तो पहले कर लो, किसी के पास कोई सवाल? ठीक है, कोई सवाल नहीं है। ये इसकी बात कर रहे हो ना? नहीं, ये अब यूज करने की इजाजत नहीं है। ठीक है, ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप लोग एक काम कीजिएगा, पहले तो ये बताइएगा कि साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना आता है? मैं यहां पर बोर्ड पे ना एक वैल्यू लिख रहा हूं, कैलकुलेटर यूज करना नहीं आता है? अच्छा चलें, ठीक है, पहले दो तीन कैलकुलेटर सर सबके पास मौजूद है, साइंटिफिक कैलकुलेटर? ठीक है, ठीक है, तो हम लोग आहिस्ते आहिस्ते इसके फंक्शन सीखेंगे ताकि न्यूमेरिकल हम लोग कल से जब शुरू करेंगे तो हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। चलिए सबसे पहले तो कैलकुलेटर ओपन कीजिएगा, मतलब अपने पास रखिएगा और देखिएगा
ये कैलकुलेटर की स्क्रीन है, ये कैलकुलेटर है, ये स्क्रीन है। यहां पर इसके कुछ फंक्शनल कीज हैं, बटन्स हैं, आम लफ्जों में बोलो। तीन रॉ में भी होगा, चार रॉ में भी हो सकता है। फिर यहां पर नंबरिंग बटन्स और ऑपरेटर्स बटन्स होते हैं सारे, ये सारे आपके पास होंगे। सबसे पहली चीज जो आपको सीखनी है वो ये कि अगर एक वैल्यू इस तरह से है, 2 × 10⁶, इसको कैलकुलेटर पे कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले टू टाइप कीजिएगा, सबसे पहले टू टाइप कीजिएगा, कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिएगा, फिर आप ये कीजिएगा कि कैलकुलेटर पे एक बटन होगा इस हिस्से पर, नीचे के हिस्से पर, उस बटन के ऊपर लिखा होगा EXP, एक्सपोनेंट, ये लिखा होगा, या लिखा होगा इंटू टेन, ऐसा कोई बटन है तो उसको जरा पुश कीजिए। पुश किया होगा तो स्क्रीन पे ऐसे लिखा हुआ आया होगा, स्क्रीन पर टू, ये ई लिखा हुआ आया होगा, बास कैलकुलेटर में ऐसे लिखा हुआ आया होगा, ऐसे, ये दो ऑप्शन है। उसके बाद क्या है, पावर 6, 6 को टाइप कर दीजिए, 6 को पुश कर दीजिए, तो ऐसे लिखा हुआ आया होगा, ऐसे ऐसे। आ गया। फिर आप क्या कीजिए, अब आप इक्वल का बटन पुश कर दीजिए, इक्वल का बटन जब पुश करोगे ना, तो स्क्रीन पे ये लिखा हुआ आ जाएगा, देखिएगा, 2 1 2 3 4 5 6, ऐसे लिखा हुआ आया होगा या ऐसे लिखा हुआ आया होगा, ऐसे, दो ऑप्शन है स्टूडेंट्स। अगर इस तरह स्क्रीन पे लिखा हुआ आया हुआ, इस तरह ऐसे, तो आप देखिएगा कि कैलकुलेटर पे यहां पर इस हिस्से में यहां पर एक बटन होगा, उस पे लिखा होगा ENG, इसको पढ़ते हैं इंजीनियरिंग सिस्टम, इंजीनियरिंग सिस्टम, इसको पुश कीजिएगा। जब ये पुश करोगे तो ऐसा लिखा हुआ आया, ये आएगा लिखा हुआ, ये स्टूडेंट्स। इस एक्सपोनेंट वाली वैल्यू को कैलकुलेटर पे क्या लिखना आया आपको, क्योंकि एक्चुअल में आप बिल्कुल सामने बैठे होते तो बात कुछ अलग होती, और यहां पर चूंकि आप सब पे कैमरे भी बंद हैं और स्क्रीन भी छोटा है। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, सुनो सुनो सुनो, मैं कैलकुलेटर पर इसकी वीडियो बनाकर आपको भेजूंगा कि इसको कैसे लिखा जाता है, तीन चार फंक्शंस के वीडियो बनाकर, यानी कैलकुलेटर पे मैं यूज करूंगा, ठीक है, कैलकुलेटर मैं यूज करूंगा और उसकी वीडियो बनाकर आपको सेंड करूंगा, ठीक है? तो आप उसको देखकर फिर लिखिएगा, फिर हम लोग कल इसका इस्तेमाल करेंगे। उससे पहले आप लोग एक काम और कीजिएगा, वो ये सिलेबस की बुक ओपन करो, पेज नंबर 93, जरा बुक ओपन करो, कर ली सबने, पेज नंबर 93। पेज नंबर 93 सबने ओपन किया, ठीक है। पेज नंबर 93 पर न्यूमेरिकल नंबर 1 जरा आप लोग ट्राई करके रखिएगा, ये बिल्कुल मैट्रिक का न्यूमेरिकल है। मैं फॉर्मूला भी दे देता हूं, आप सिर्फ पढ़िएगा पढ़िएगा और कैलकुलेशन कर डेटा बनाने की कोशिश कीजिएगा, कैलकुलेशन करने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है आपसे ना हो, कोई बात नहीं, बस सिर्फ आप पढ़िएगा, कोशिश करके रखिएगा। उसमें
एक फॉर्मूला ये यूज होगा एक्सेलरेशन निकालने के लिए, ये और डिस्टेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, ये। इस फॉर्मूले से ए कैलकुलेट होगा और इस फॉर्मूले से एस कैलकुलेट होगा। ये दो चीजें उस न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करने के लिए कही गई हैं। कल हम लोग करेंगे क्या, गौर से सुनिएगा स्टूडेंट, कल हम लोग सबसे पहले तो यही न्यूमेरिकल देखेंगे, ये न्यूमेरिकल देखेंगे, उसके बाद चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कल हम लोग डिस्कस करेंगे, पहला इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और वो है न्यूमेरिकल नंबर 2। तो इसको जरा आप लोग ट्राई करके रखिएगा, देखते हैं कि आप में से कौन जो है वो इसको सॉल्व कर सकता है, सिर्फ आपको पढ़ना है समझना है। अच्छा ये बता दूं कि इसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी है, तो आज मैं किसी वक्त भी वीडियो बनाकर आपको सेंड करूंगा, आप देख लीजिएगा कि एक्सपोनेंट वाली वैल्यू को कैसे लिखते हैं, माइनस कैसे करते हैं, स्क्वायर कैसे करते हैं, इसकी वीडियो मैं बनाकर आपको भेजूंगा, तो आप अच्छी तरह देखिएगा और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स कल से फिर हम लोग न्यूमेरिकल का सिलसिला शुरू करेंगे, जितना इंट्रोडक्शन का हिस्सा हमने पढ़ लिया इसके कम से कम 8 न्यूमेरिकल हैं सिलेबस एक्सरसाइज में और उसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट भी हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कल से हम लोग न्यूमेरिकल का सिलसिला शुरू करेंगे, बुक कैलकुलेटर दोनों साथ रखिएगा, फॉर्मूले सारे रिवाइज कर लीजिएगा। आज के लेक्चर से कोई सवाल है तो कर लो, वरना फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। कोई सवाल है किसी के पास तो कर लीजिए, है किसी के पास कोई सवाल? मुबीन के पास, जी मुबीन कहिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने इसलिए नहीं दिया कि आपसे सॉल्व हो ही जाए, देने का मकसद सिर्फ यह है कि आप ट्राई करें। ट्राई करने का मतलब है आप कम से कम रीडिंग तो करोगे, कुछ पढ़ोगे तो सही, कुछ सीखोगे तो सही। होमवर्क देने का मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि वो आपसे सॉल्व हो जाए। क्लियर है? ठीक है, तो कल इंशाल्लाह फिर इसे हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, आप सब अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।